हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रिया। मैं इंडोक्रोनोलॉजिस्ट हूँ। मैं डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी और बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट करता हूँ। आज हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें सबको उसकी बहुत ज़रूरत होती है और हमारे मन में कई सारे मिसकंसेप्शंस एक्सरसाइज के बारे में होते हैं। लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है कि जब हम हमारे पेशेंट्स को पूछते हैं कि भाई आप कौन से टाइप का एक्सरसाइज करते हो, तो लोग कुछ फास फूस करके, कुछ प्राणायाम या कुछ हमें करके दिखाते हैं। ज़्यादातर लोगों को एक्सरसाइज होता क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। कई लोग अच्छे खासे ट्रेनिंग लेके आते हैं, उनको सब पता होता है एक्सरसाइज क्या होता है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हमने जिम का तो मेंबरशिप लेके रखा है, लेकिन हम जाते ही नहीं है, हफ्ते में एक बार मुश्किल से जाते हैं। तो ऑफकोर्स ऐसे टाइप का एक्सरसाइज तो हमें हेल्प नहीं करने वाला। तो आज हम थोड़ा एक्सरसाइज के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और फिर अगले कुछ वीडियोस में हम हर एक टाइप जो एक्सरसाइज का होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि एक्सरसाइज में कोई लोग बोलते हैं हम रनिंग करते हैं, कोई बोलते हैं हम साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कोई लोग जिम को जाते हैं, कोई लोग योगा करते हैं। हर एक एक्सरसाइज के अपने अपने फ़ैन क्लब्स हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं जो हम करते हैं भाई वही सबसे दुनिया में बेस्ट एक्सरसाइज है, जो हम नहीं करते वो इतना खासा कुछ नहीं है, ऐसा बोलने का बहुत लोगों का आशय होता है। तो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज के टोटल 5 कॉम्पोनेंट होते हैं। हर एक कॉम्पोनेंट अपनी अपनी अहमियत रखता है और अगर हम 5 कॉम्पोनेंट्स में अच्छी तरह से एक्सपर्टीज हासिल करें तो हमें एक्सरसाइज का सच में बहुत फ़ायदा होता है। इसमें सबसे जो पहला कॉम्पोनेंट है उसको बोलते हैं पोस्चर। मतलब आदमी जब खड़ा रहता है तो उसका पोजीशन कैसा है, उसका पोस्चर कैसा है, वो बैलेंस्ड है क्या या कहीं झुका हुआ है, उसमें कुछ इम्बैलेंस तो नहीं ना, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। लोग कहते भाई पोस्चर खड़ा रहने का तरीका कहाँ एक्सरसाइज होता है, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज माना जाता है। एक बहुत फेमस बुक है फ्रेमवर्क करके, उसमें कई सारे चीज़ें ऑथर्स ने डिस्कस की है। और एक बहुत ज़रूरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हम खड़े गलत तरीके से रहते हैं तो हज़ार प्रकार के एक्सरसाइज भी हमें बचा नहीं सकते। आजकल मोबाइल की लत ने सबको आगे झुकने के ऊपर मजबूर कर दिया है और लोगों की गर्दन जो पहले सीधी होती थी वो अभी काफ़ी हद तक आगे झुकी होती है। कई लोगों का लोअर बैक मसल मस्कुलेचर बहुत वीक होता है, वो कई सारे लोग ऐसा पीठ में थोड़ा सा लिम्प हो जाते हैं। और जैसे हमें बचपन में बताया गया था कि भाई सीधी पीठ रख के बैठो, ये अभी सूचना सब लोग भूलते जा रहे हैं। इस खराब पोस्चर के कारण हमें कई सारी बीमारियां हो सकती है, हमारे मसल इम्बैलेंस हो सकते हैं और आगे जाके हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो कॉम्पोनेंट है उसको कहते हैं गेट, मतलब आदमी चलता कैसा है। अगर हमारा चलने का एक्शन थोड़ा डिफेक्टिव होगा, अगर हम चलने के एक्शन में कुछ गलती कर रहे हो, वो बैलेंस नहीं हो, तो भी हमें कई सारी बीमारियां आगे जाके तकलीफ दे सकती है। तो पोस्चर और गेट ये बहुत ही निगलेक्टेड पार्ट्स है जो एक्सरसाइज के रेजिमेन में हम देखते नहीं है ठीक से। और कई बार प्रोफेशनल एथलीट्स को जब हम कोई करियर का एडवाइस देते हैं तब शुरुआत इन्हीं चीज़ों से हमें करनी पड़ती है। तो याद रखिए पहले हम खड़े कैसे रहते और चलते कैसे हैं, ये एक्सरसाइज का ही पार्ट होता है। अगर इसमें अगर हम गलती करते हैं तो हमें आगे जाके बहुत तकलीफ हो सकती है। एक्सरसाइज का तीसरा कॉम्पोनेंट होता है फ्लेक्सीबिलिटी, जिसमें हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं कि अपने जोड़ों को, लिगामेंट्स को हम फ्लेक्सिबल रखें और उनके ऑप्टिमम रेंज ऑफ मोशन में हम उनको यूज़ कर पाए। कुछ लोगों को मिसयूज़ के कारण कुछ जॉइंट्स थोड़े स्टिफ हो जाते हैं और पूरा रेंज ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं, पूरा जो मूवमेंट का आवाका होता है वो पूरा नहीं होता है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी का अच्छा ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें कई चीज़ें आगे जाके ईजी हो जाती है। हमारे लाइफ में हम जो भी काम करते हैं उसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा एंशंट अपना फेवरेट योगा, कोई एक्सरसाइजेस जैसे पिलाटिस जो हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दिए हैं, कुछ स्ट्रेचिंग के रूटीन्स, काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट जो कुछ ट्रीटमेंट के हमारे तरीके आजमाते हैं, वो ट्रीटमेंट के तरीके, ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर टारगेट करते हैं।
अगर फ्लेक्सिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो तो दोनों साइड के रेंज ऑफ मोशन में डिफ़िकल्टी आती है। कई बार उसके कारण कई सारी बीमारियाँ, आर्थराइटिस, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स और फॉल्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। चौथा कंपोनेंट इसमें है, वो है कार्डियो एक्सरसाइज, जिससे हमारा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस से हार्ट की और लंग की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। इसमें कई सारे एक्सरसाइज हैं, जैसे हमारा फेवरेट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग और कई सारे एक्सरसाइजेस इसमें आते हैं। टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना, इसमें भी ज़्यादातर कार्डियो के लिए हमें फ़ायदा मिलता है। अगर हम कार्डियो का एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी हार्ट की और लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ऐसे कई सारे स्टडीज़ हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनको लॉन्जिविटी में फ़ायदा होता है, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है, उनको डायबिटीज़, हार्ट, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ वगैरह बीमारियाँ लेट होती है और कम मात्रा में होती है। और लास्ट जो पांचवा कंपोनेंट है, जिसको हम कल कहते हैं मसल ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। पहले तो ऐसे मानते थे कि मसल ट्रेनिंग, मसल डेवलप करना बस पहलवानों का काम है, वो आम आदमियों का काम तो है ही नहीं। 95% लोगों को मसल ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी हमें पता है कि मसल ट्रेनिंग करना मतलब पहलवान होना या बहुत बड़ा बॉडी बिल्ड करना नहीं होता है। हमारे देश में सार्कोपेनिया नाम की एक कंडीशन बहुत प्रेवलेंट है। सार्कोपेनिया मतलब लैक ऑफ स्केलेटल मसल्स, हमारे जो मसल होते हैं उसका बल्क बहुत कम होता है। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो कई बार मसल की पावर कम होने के कारण गिर जाते हैं, उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, कई बार उनका मूवमेंट बराबर से नहीं होता है, कई लोग व्हीलचेयर पे मसल वीक होने के कारण चले जाते हैं। कई सारे लोग जो कार्डियो एक्सरसाइज पसंद करते हैं वो मसल ट्रेनिंग को थोड़ा सा गंदा या इन्फीरियर मानते हैं। लेकिन ऐसे भी स्टडीज़ है कि जो लोग रेगुलरली मसल ट्रेनिंग करते हैं उनका भी लाइफ स्पैन ज़रा ज़्यादा होता है, उन्हें भी हार्ट की, डायबिटीज़ की, ओबेसिटी की शिकायतें कम होती है और ओवरऑल उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता है। जिनका मसल स्ट्रांग होता है उनको कई बीमारियों से हमें बचाव करना पॉसिबल हो जाता है। मसल ये लार्जेस्ट इशू होता है कि जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, और एक मसल ट्रेनिंग का सेशन हमें 12 से 48 घंटे तक हाई मेटाबॉलिक स्टेट में रख सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पांचों के पांचों कंपोनेंट अपने एक्सरसाइज रेजिमेन में इनकॉर्पोरेट करें। अगर हम पांचों कंपोनेंट को इक्वल इम्पोर्टेंस दे दें तो हमारा एक्सरसाइज बहुत फ्रूटफुल होगा और हम एक्सरसाइज का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये हमारी कोशिश थी आपका नॉलेज एक्सरसाइज के बारे में बढ़ाने की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।